श्री रघुनाथ प्रसाद जी लवानिया पूछ रहे हैं, भैया स्वप्न में रात दिन सहित सभी पदार्थ दिखते हैं, अपना शरीर भी दिखता है, इस स्वप्न दृश्य को कौन और कैसे देखता है, कृपा कर इस पर प्रकाश डालने की करुणा करें। स्वप्न में रात दिन सहित सभी पदार्थ दिखते हैं, अपना शरीर भी दिखता है, इस स्वप्न दृश्य को कौन और कैसे देखता है, कृपा कर इस पर प्रकाश डालने की करुणा करें। देखते तो हम ही हैं, इसलिए प्रमाता के संबंध में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वप्न के दृश्य हम ही देखते हैं, और केवल शरीर ही नहीं देखते हैं, अपनी मौत भी देखते हैं। स्वप्न यथा शिरश्छेदम पंचत्वाद्य आत्मनश्चरम आत्मा पश्यति देह। एक बार मैंने स्वप्न देखा, जागृत अवस्था में कलकत्ते में था, और वहां हो गया था हिंदू मुस्लिम दंगा। तो लोगों को शांत करने के लिए भाई हनुमान प्रसाद जी सरदार ज्वाला प्रसाद खन्ना जी आदि याद करतेगा, इन लोगों के साथ मैं भी उन मोहल्लों में जाता जहां हिंदू लोगों को कहने के लिए कि मुसलमानों को मारो मत। हमको मोटर नहीं भिगा गई, और स्वप्न में मैंने देखा कि हावड़ा का पुल है और उसके नीचे गंगा जी बह रही है, और वहां सीता पर मेरी लाश चल रही है। जय दयाल गोविंद का, जय दयाल का तेरा भाई जी सब बैठ के मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मरने के बाद अपनी तारीफ तो सभी लोग करते हैं, तो अपनी तारीफ भी सुनाई पड़ रही थी और अपना शव जो है वो अग्नि पर जलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसी समय मेरे मन में ये प्रश्न था कि जब मैं देख रहा हूं, जब मैं सुन रहा हूं, तो मैं जल कैसे रहा हूं? दोनों एक बात तो नहीं हो सकता कि मैं आग में जलूं भी और देखूं भी। तो इसका मतलब हुआ कि दृष्टा के संबंध में तो कोई शंका ही नहीं है कि अपना आत्मा ही स्वप्न का दृष्टा है। जो जागृत का दृष्टा है वही स्वप्न का दृष्टा है, वही सुषुप्ति का दृष्टा है। अवस्थाएं तीनों बदल जाती हैं, देखने वाला वह करता है। अब स्वप्न क्यों दिखता है? तो निद्रा दोष से दिखता है ऐसा मानना है कि आगे नींद रहती है और आधा जो है वो पूर्व स्मृतियां रहती हैं, और स्वप्नावस्था उनको एक विलक्षण रूप में गढ़ लेती है। स्वप्न एक अवस्था है, घोड़े का सिर आदमी की धड़, आदमी का सिर घोड़े की धड़। स्वप्न में ऐसा विलक्षण जुड़ता है कि न जागृत में देखा न कहीं उसकी पूर्व स्मृति है, स्वप्न अवस्था एक विशेष बना लेती है। तो निद्रावस्था में जो विशेष बनता है वो दृष्टा वही होने पर भी निद्रा दोष के कारण अपने को ही तत्त दृश्य के रूप में देखने लगता है। अब देखो दृष्टा तो वही है,
पर अविद्या दोष से जागृत अवस्था को देख रहा है, वहां निद्रा दोष है तो यहां अविद्या दोष है। देखने वाला वही है और अपने को ही गंगा जी के रूप में, अपना पुल के रूप में, तीन के रूप में, मित्रों के रूप में और पिता के रूप में, मुर्दे के रूप में देख रहा है। अब रही बात कर्म कारण, स्वप्नावस्था में जो कर्म कारण होता है वो स्वप्नावस्था की अपनी ही सृष्टि है, संधे सृष्टि है। अपनी सृष्टि है का मतलब यह है वहां तीन परत का बाप और पांच परत का बालक है, और जावत स्वप्न है तावत काल है, जावत काल है तावत स्वप्न है। स्वप्न और स्वप्न के काल ये दोनों अलग अलग होते हैं। तस्मात न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते तत्व पश्यन्ति ये जातम केवल पश्यन्ति ते कदम। न तो चित्त की उत्पत्ति होती है, न तो चित्त के दृश्य की उत्पत्ति होती है, ये वहां उत्पत्ति देखते हैं। स्वप्न में भी काल अनादि मालूम पड़ता है और प्रवाह रूप समित मालूम पड़ता है, वहां भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ते हैं, वहां भी माँ बाप बेटा मालूम पड़ते हैं, परंतु सारा का सारा देश काल पदार्थ प्रतीति मात्र ही है। ये नहीं कि उस काल में वहां स्वप्न सृष्टि बनी है, बल्कि जैसे सृष्टि प्रतीति मात्र है स्वप्न की, वैसे वहां का देश और काल भी प्रतीति मात्र है। इसलिए बिना किसी कार्य कारण से केवल अविद्या दोष से अपने आप में जैसे स्वप्न दिखता है, इसी प्रकार ये जागृत भी बिना पृथक देश काल कार्य कारण हुए ये अपने आप को न पहचानने के कारण अपना आप ही अन्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। अन्य है नहीं, अन्य उत्पन्न नहीं हुआ है, आत्म सत्ता के सिवाय दूसरी और कोई भी वस्तु न देश न काल न द्रव्य न उत्पन्न हुए हैं, न हैं और न तो होंगे। इसलिए आभासा स्वप्नवत सर्वे स्वप्न माया विसर्जिता, ये स्वप्न की माया है जो ये प्रतीति होती है अन्य के रूप में, और इसकी भ्रांति है कि ये सत्य है। सत्य है ये तो भ्रांति, और प्रतीति जो होती है वो स्वप्नवत है, अन्यथा ग्रहण भ्रांति है और अग्रहण जो है वो अज्ञान है। हो स्वबोधे मान्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मन है न दीपस्य अन्य दीपे इच्छा यथा स्वात्म प्रकाशन। आत्मा के स्वयं बोध रूप होने से अपने जानने में दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं, जैसे दीपक के अपने प्रकाशन में दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न है, अपने जानने में दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं, इस पर महाराज श्री प्रकाश डालने की कृपा करें। श्री मदन गोपाल जी जी, ये तो सत्य है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, पर बात तो ये है ये जो स्वयं प्रकाशिका है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है कि नहीं। यदि आपको ये मालूम है कि ये स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है,
तब तो आपको महाभारत के जन्य वृत्ति की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जो प्रकाशक होता है उसी को वृत्ति कहते हैं, वृत्ति प्रकाशक ही होती है। जो विषय को प्रकाशित करे उसका नाम वृत्ति। तब तो आपको महाभारत के जन्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अपने आप को नहीं जानते हैं, माने आत्मानं ब्रह्म न जानामि, मैं अपने को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानता हूं, तो इस अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए वृत्ति की बत्ती की वृत्ति माने बत्ती बत्ती की जरूरत है। तो ब्रह्मांड अज्ञान नाशा या वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता स्वयं प्रकाश रूपत्वात्, स्वयं प्रकाश रूप है आत्मा, ये तो सही है। लेकिन उसको आप अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानते हो कि नहीं? तो ये जो अद्वितीय ब्रह्म रूपता का अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए महावाक्य जन्य वृत्ति की अपेक्षा होती है। तो इसमें फल व्याप्ति तो नहीं होती, माने जैसे घड़े को देखते हैं तो घड़े उस समय दो बात होती है, एक तो प्रकाश से अंधकार दूर होता है और एक अपने में अहम घटन जाना में ये वृत्ति उत्पन्न होती है, फल व्याप्ति होती है। तो अंधकार दूर करने के लिए जितना प्रकाश चाहिए उतने प्रकाश की तो जरूरत होती है, परंतु मैं इस ब्रह्म को जानता हूं, फल व्याप्ति के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं बोध रूप है, ये सब होने पर भी जो उसकी ब्रह्मता का, अद्वितीयता का, परिपूर्णता का जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए एक बार दिया सलाई जलाने की जरूरत है। हम लोग आ रहे थे हरिद्वार से, रास्ते में कहीं खुर्जा से पहले रात को एक सिदरी में सड़क पर रुकना पड़ा, बहुत गंदा था, सिदरी गंदी थी, उसमें लोगों ने गन्ना चीस चीस के और उस खुर्जा डाल रखा था, सब झाड़ू लगा के साफ किया उसको। साफ करने के बाद देख लिया जिस साफ से इसमें कहीं दिल तो नहीं है, कहीं साफ रहने की जरूरत नहीं है, जब निश्चिंत हो गए कि इसमें साफ नहीं है तो सो गए। तो हर समय उसमें टॉर्च जलाए रखने की जरूरत नहीं थी, केवल एक बार देख लेने की जरूरत थी कि इसमें अब कोई कूड़ा नहीं है और कोई सांप बिच्छू रहने की जगह नहीं है। तो आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है, इसको दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, ये तो ठीक है, परंतु इसकी स्वयं प्रकाशता पर जो पर्दा है काल के संबंध से, इसकी उम्र मानते हैं, देश के संबंध से इसको छोटा बड़ा मानते हैं, द्रव्य के संबंध से इसको भार मानते हैं, ये सब जो गलत मान्यताएं हैं उनको दूर करने के लिए, गलत मान्यताओं को दूर करने के लिए एक बत्ती की जरूरत पड़ती है। एक बार टॉर्च जला के देख लेते हैं और वही टॉर्च जो है वो महावाक्य से जलता है, या टॉर्च जो है घूमती फिरती बत्ती, अटार्थिक अर्थ हो गया, पतनशील जो अर्थिक है बत्ती है वो अटार्थी है। और नारायण एक बार अंधकार को दूर हो जाना चाहिए, उतनी ही वृत्ति की आवश्यकता है। देखो घड़ा देखना हो अंधेरे में तो बत्ती की जरूरत पड़ेगी, पर बत्ती को देखना हो तो बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बात इस श्लोक में कही गई है। आंख की तो जरूरत रहेगी ना, बिना आंख के तो दीपक भी नहीं दिखेगा। अच्छा तो आंख को देखने के लिए बुद्धि की तो जरूरत रहेगी ना, और बुद्धि के सोने और जागने को देखने वाला जो है
उसको देखने वाले की जरूरत नहीं रहेगी देखने के लिए रोशनी की, परंतु वो तो देश काल वस्तु का दृष्टा होने के कारण न तो उसकी में उम्र है और न लंबाई चौड़ाई है और न वजन है। आप वजन, लंबाई चौड़ाई और उम्र तीनों के संस्पर्श से रहित आपका स्वयं प्रकाश आत्मा है। यदि ठीक है, आपको अनुभव हो गया, तो दीपक को बुझा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। टॉर्च को फेंक दीजिए, कहे तो आपको भी फोड़ सकते हैं, आपको भी फोड़ सकते हैं, और नारायण चाहे तो अंतकरण की वृत्ति को भी ठप कर सकते हैं। लेकिन जब तक देखा नहीं है, जब तक देखा नहीं है, तब तक अंधेरा दूर करने के लिए सबकी जरूरत रहती है। मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा आत्मा तो अभिषय है, तो वो महाभाग जन्य वृत्ति के द्वारा विषय कैसे होता है? तो बोले कि तुमने कैसे जाना कि आत्मा अभिषय है? पहले महाभाग जन्य वृत्ति के द्वारा अविद्या को दूर करके तब तो जाना ना कि आत्मा अभिषय है। तो ठीक है, यदि तुम्हें अनुभव हो गया कि आत्मा अभिषय है, तो अब महाभाग की जन्य वृत्ति की विषयता भी नहीं है। लेकिन जब तक अपने को अभिषय रूप से नहीं जाना है, तब तक तो कैसे, कहाँ सुन के आए हो, ऐसे पूछ लेते थे, कहाँ सुन के आए हो कि अभिषय है? तब तक सुना सुनाया है, इसलिए जब तक अभिषय होती तब तक वृत्ति की आवश्यकता है। ठीक वैसे जब तक संसार की आसक्ति दूर नहीं होती, स्त्री की, पुत्र की, धन की, शरीर की, जब तक आसक्ति दूर नहीं होती, तब तक भगवान की भक्ति तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यदि भगवान से प्रीति नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो दुनिया में किसी से प्रेम करके उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे। तो संसार का कुछ लगभग पना छुड़ाने के लिए जैसे भगवान की भक्ति है, एक भगवान से प्रीति हो गई, फिर किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार एक बार अविद्या का ध्वंस हो गया, अविद्या का बाध हो गया, निवृत्ति हो गई, तो फिर बारम्बार सप्तमसी महाभाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक की जरूरत तब जो साधन छोड़ ले जब पहले साधी। बोले एक आदमी को कहीं नदी पार करना था, तो किनारे गया, तो किसी ने बताया देखो नाव आ गई है, अब इस पर बैठ जाओ। उसने कहा कि कब तक बैठे रहेंगे? अरे भाई नदी को जब उस पार जाएंगे तो नाव को छोड़ के फिर अपने घर में घुसना पड़ेगा। उसने कहा तुम नाव को छोड़ना ही पड़ेगा तो हम चढ़े कर है? तो ठीक है, अगर नाव पर नहीं चढ़ोगे तो अपने घर नहीं पहुंचोगे, इसी पार रह जाओगे। इसलिए जब तक प्रयोजन की पूर्ति न हो जाए, माने अविद्या की निवृत्ति न हो जाए, तब तक महाभाग के जन्म वृत्ति की आवश्यकता रहती है, और जब अविद्या निवृत्त हो जाती है तब वृत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। जब तक जीव में किंचित भी निर्बलता है, निर्बलता माने उसको स्थान की आसक्ति है, वस्तु की आसक्ति, व्यक्ति की आसक्ति है, जहाँ तक अपने स्वरूप से अन्य में आसक्ति है, वहां तक सच्चिदानंद घन भगवान राम से आसक्ति करने की आवश्यकता है। वही एक ऐसी आसक्ति है जो सब आसक्तियों को छुड़ा देती है। हमारे नाम राम नाम से, भगवान के नाम को महिमा बहुत बताइए, और उससे उदाहरण की जरूरत नहीं देती है नाम का स्मरण करती है। पहली बात तो ये है कि साधना जो सबसे बड़ी और ऊंची हो, उसी को जो करना चाहते हैं उनकी स्थिति उसमें नहीं हो पाती है।
बारंबार उछलते हैं और गिरते हैं, उछलते हैं और गिरते हैं। और यदि पहली सीढ़ी से ही साधना आरंभ की जाए तो मनुष्य धीरे धीरे चढ़ता हुआ ऊपर की कक्षा में पहुंच जाता है। तो ब्रह्म में वृत्ति टिक जाना या आकार निराकार का ध्यान होने लगना, ये बहुत कठिन है। और जो लोग वहां से शुरू करते हैं उनकी वृत्ति वहां टूटती नहीं है। इसलिए जो सबसे पास की सीढ़ी हो वहां से ही अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। नक्शा में देख लिया कि सबसे आखिरी जगह कौन सी है, बोले हम तो यहां से यात्रा शुरू करेंगे। और यात्रा तो अपने घर से शुरू होगी, जहां रह रहे हो वहां। तो साधक लोग ये कहते हैं कि यस्याम भूमौ निपतितः कामालम्ब्य विमुच्यते। ये जीवात्मा नाम रूप की भूमिका में गिरा हुआ है, ऐसे गड्ढे में ये गिर गया है जहां से उठने का कोई सहारा नहीं है। किसी ने ऊपर से कहा, बाबा जहां गिरे हो उसी पर दोनों हाथ लगा के धीरे धीरे खड़े हो जाओ, तेरा नहीं जहां हम गिरे हैं वहां हाथ नहीं लगाएंगे। तो एक से खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जहां रह रहा है नाम रूप की दुनिया में, वहां से उसकी साधना आरंभ होनी चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र को पहले देखना चाहिए और साधना के बड़प्पन को पीछे देखना चाहिए। सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया हलवा पूरी सबसे बढ़िया, परंतु अपने पचने की ताकत भी तो देखनी चाहिए ना। माता किसी को व्रत करा देती है, किसी को सूप खिला देती है, किसी को रोटी डाल देती है, किसी को हलवा पूरी खिलाती है। जो जैसा पैसा होता है, जिस योग्य उसके योग्य साधना उसको बताई जाती है तो उसका मंगल होता है। इसलिए सबसे बढ़िया साधना हमको चाहिए। सबसे बढ़िया मकान में रहने की योग्यता भी होती है। यदि सफाई न रख सकता हो और स्वच्छता न रख सकता हो, घर को समाज सजा के न रख सकता हो, तो उसको सबसे बढ़िया घर को खोज के उसको भी गंदा नहीं करना चाहिए। अब देखो नाम की बात सुनाते हैं। हम नाम का उच्चारण करते हैं, राम 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 राम। पहली बात तो यह है कि हमारी जीभ लगती है। ये अंडमय कोष का नमूना है। पहले मन लगाना चाहोगे या पहले ध्यान करना चाहोगे या पहले ध्यान करना चाहोगे, जीभ नहीं लगाओगे। हाथ लगेगा संसार के काम में, पांव से जाएंगे संसार में, आंख से देखेंगे संसार। तो हमारे इस मनुष्य जीवन का कोई अंग ईश्वर की सेवा में पहले लगना चाहिए। यहीं से साधन आरंभ होता है। अब जीव जो है, जिससे हम राम 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 बोलते हैं, ये अन्नमय कोष है। और जो जीव हिलाते हैं उसमें क्रिया होती है वो प्राणमय कोष है। और जो नाम लेने की इच्छा है वो मनोमय कोष है। जो नाम का उच्चारण है वो विज्ञानमय कोष है। और उसी में जो आनंद की भावना है वो आनंदमय कोष है। इस प्रकार हम पांचों कोष भगवान की सेवा में जो कि संसार में लगा रहे हैं, जीव से दुनिया की बात करें, उसके लिए जीव जलावें, उसकी इच्छा करें,
जिन कोषों का उपयोग हम संसार के लिए कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा हिस्सा जीव मात्र यदि हम भगवान की ओर लगाए तो पांचों कोषों का एक एक अंश भगवान की ओर लग जाता है, और इस तरह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय हमारा समग्र जीवन भगवान के सम्मुख हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, ये जो हम लोग शब्द बोलते हैं, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमारा कोई राम राम से खास मतलब नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, मां मां बोलो, तो जो कंठ कालू आदि पर जोर दे करके जो शब्द का उच्चारण होता है, ये क्रिया है, संदक क्रिया, अपने शरीर के हिस्सों को हिलाना। तो प्रत्येक क्रिया का अंत निष्क्रियता में होता है। यदि हम क्रिया करना शुरू कर रहे हैं तो निष्क्रिय हो जाएंगे और निष्क्रियता आत्मा में स्थित कर देंगे। बहुत पहले से लोग हैं वेदांत का विचार करने वाले, यहाँ कई अच्छे बैठे हैं। ये जो रूप बनता है, ये रेखाएं हैं, तस्वीर जैसे बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो वो रेखाओं को खास ढंग से बैठा देते हैं तो हाथ बन गया, पांव बन गया, आंख बन गया, मुंह बन गया, रेखाओं का विलास है। और रेखा को यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो उसमें अलग अलग बिंदु मालूम पड़ते हैं। जितनी भी लिपि होती है और जितने भी रूप होते हैं वो रेखा से बनते हैं, और रेखा में होता है बिंदु, बूंद बूंद बूंद, अलग अलग देख सकते हैं रेखा में। और बिंदु वो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती और स्थान होता है, माने बिंदु के लिए अधिष्ठान तो चाहिए है परंतु देश नहीं चाहिए। स्थान रहित होकर अधिष्ठान में रहना बिंदु का काम है। ऐसे जो हम नाम का उच्चारण करते हैं, रा का उच्चारण होता है मूर्धा से, सिर पर जोर पड़ता है रा 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 के उच्चारण का, और आ का उच्चारण होता है कंठ से, और मां का उच्चारण होता है ओष्ठ से, अनुनासिक हो तो थोड़ी नासिका का संबंध होता है और अनुनासिक ना हो तो केवल ओष्ठ से मां का उच्चारण होता है। कृष्ण का उच्चारण करते हैं तो का उच्चारण हुआ कंठ से, री का हुआ मूर्धा से, ये जोर पड़ता है शरीर में, और स्ना का उच्चारण हुआ मूर्धा से, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो नीचे की ओर जो जीव वृत्ति जा रही है कंठ से, उसमें जैसे अंकुश लगा करके और वृत्ति को ऊपर खींच लिया, का कंठ, उसमें री अंकुश, और सुना राधा कृष्ण शिरोभाग में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हमारी मनोवृत्ति जो संसार में बिखरी हुई है उसको खींचने के लिए कंठ तालु आदि के दबाव से तो हुआ नाम का उच्चारण। अब इसमें क्या है कि वाक्य है, पद है, अक्षर समामनाय है, और नारायण अक्षर जो है वो एक स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में
स्फुरित होता है, तो पहले वाक्य उससे सूक्ष्म पद और पद से सूक्ष्म वर्ण, वर्ण से भी सूक्ष्म स्वर और स्वर से भी सूक्ष्म ध्वन नाद, और नाद से भी सूक्ष्म वो नाद का दर्शन करने वाला, साक्षात्कार करने वाला स्वयं प्रकाश परमात्मा। तो नाम का उच्चारण अनाम में स्थित करता है, क्योंकि नाम का उच्चारण करो जहां उसका अंत होगा, जो वेदादौ परप्रोक्त वेदांते च प्रतिष्ठित तस्य प्रकृति दीनस्य यः परः स महेश्वरः। परमात्मा क्या है तो बोल दिया रा। तो देखो रा और आ के बीच में जितना आप अवकाश बढ़ाओगे, प्रथम क्षण में रा का उच्चारण हुआ और अंतिम क्षण में मा का उच्चारण हुआ, और दोनों के बीच में जो अवकाश दंडायमान है, आकाश है, वो निषेधाकार वृत्ति के समान ही प्रपंच का निषेध करने वाला है। जितना रा और मा के बीच में अवकाश बढ़ेगा उतनी देर तक प्रपंच का चिंतन नहीं होगा। आप जिस लोकन चाहते हो मन स्थिर करना, तो आप देखो कि रा और माँ के बीच में आपका मन कहाँ जाता है, कोई दूसरी चीज सोच के दिखा दो। यदि आप लगातार रा के बाद उच्चारण की धारा बनाए रखते हो, तो रा और माँ के बीच में आपके मन में कहीं चंचलता नहीं आ रही है, और जहां माँ का अंत होगा आप चुप हो जाएंगे, वहां तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ब्रह्माकार वृत्ति का नमूना है रा और माँ के बीच में जितना अवकाश है वो, और ब्राह्मी स्थिति का नमूना है माँ के अंत में अपनी शांत स्थिति, इसको नमूना बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं। तो नाम का उच्चारण आरंभिक साधना से लेकर के, ये तत् भी भगवान का एक नाम है, ओम तत् निर्देशो ब्रह्मास्त्र विदा स्मृता, सत भी भगवान का एक नाम है, चित भी भगवान का एक नाम है, ओम भी भगवान का एक नाम है। बिना नाम के वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, न शब्द सोचती प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रीते, शब्दोच्चारण के बिना प्रत्यय की उत्पत्ति माने वृत्ति की उत्पत्ति अंतकरण में नहीं होती। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, न सोचते प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रीते, शब्द के बिना तो ब्रह्माकार वृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति के लिए शब्द की आवश्यकता है, और वो शब्द क्या है, वो शब्द वो होना चाहिए जो व्यावहारिक जीव को पारमार्थिक सत्ता में स्थिर कर दे, और उसी शब्द को भगवान का नाम बोलते हैं। नमयति नामयति वा, जो हमारे अभिमान को तोड़कर हमें भगवान में स्थापित कर देता है, तो उसको पहले नम प्रतिभावे नमयति वा नामयति वा इति नाम, जो अभिमान को घटा दे। जब हम दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं तब हमारा अभिमान काम करता है, और जब हम गुरु के नीचे होना चाहते हैं तो हमारा अभिमान शिथिल हो जाता है। यही उसकी पद्धति है, प्रक्रिया है। इसलिए भगवान का जो नाम है, नाम की महिमा शास्त्रों में जो गाई हुई है, ये बताते हैं कि रा आ और मा ये तत्वसी मसी महावाक्य, आ ऊ मा जैसे ओम में है वैसे रा आ मा ये राम में है, उसी प्रकार कृष्ण में भी है। कृष्णा का जीवात्मा है, कंठस्थ जीव का वाचक है,
और भी मूर्धत्व परमात्मा का वाचक है और स्ना दोनों की एकता का वाचक है, स्वाना दोनों एकता का वाचक है। इस तरह से ये जो नामोच्चारण है ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है और जितना जितना सूक्ष्म होगा गंभीर होगा ये बिना किए कराए कुछ नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रगटे बिनमोल रतन से। जैसे हीरे की जितनी दिखाई हो पॉलिश हो उतनी उसकी चमक निकलती है, वैसे ये नाम रूप जो हीरा है इसको जितना रटोगे उतने इसका जो अर्थ है वो जीवन में प्रकट होगा। ये वेदांत केवल बकवाद नहीं है, केवल जबानी जमा खर्च नहीं है, इसमें अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है और हसिया हथौड़े से है ना, रूस का जिससे में हसिया हथौड़ा कम्युनिस्टों का है, हसिया हथौड़ा से तो अंतःकरण शुद्ध किया नहीं जा सकता। उसके ऊपर जब शब्द की चोट पड़ती है और गुरुमुख के शब्द की चोट पड़ती है तब जा करके अंतःकरण में जो संसारी वासनाएं भावनाएं भरी हुई हैं वो दूर होते हैं, और जब तक संसारी वासनाएं निकलती नहीं है तब तक ये वेदांत भी उन्हीं का मददगार हो जाएगा। देखो एक व्यवहार की बात हम सुनाते हैं, हमारे मित्र लोग हैं वो देश में विदेश में घूमते हैं, वहां के लोग शराब पीते हैं मांस खाते हैं क्लबों में जाते हैं परस्त्रियों के साथ नाचते हैं स्वच्छंद आचरण करते हैं। कोई कोई जो हमारे भारतवर्ष से वहां गए हैं या वहां रहते हैं उनके मन में थोड़ा संकोच रहता है, भय रहता है कि कहीं हमको पाप न लग जाए, यहाँ पाप का संस्कार है ही, तो वहां स्वच्छंद आचरण उनको संकोच थोड़ा मन में भय रहता है। आज जब हमारे उपदेशक लोग वहां जाते हैं तो उनको बताते हैं कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तो चाहे बंबई हो चाहे पेरिस हो चाहे लंदन हो चाहे वाशिंगटन हो, इससे हमारा कोई फर्क नहीं है। जब वहां जाके उनको ये बताते हैं कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो और तुमको पाप नहीं लगता है, तो उनको परस्त्री गमन में शराब पान में सुरा पान में है ना, जिन अनाचार व्यभिचारों में वे लगे हुए हैं उनमें निर्भय बना देते हैं। असल में वेदांत की महिमा तो तब है जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो पवित्र हो उसका जीवन निर्मल हो, और यदि वो निर्मलता को ही चौपट करने वाली बात करते हैं, एक यहाँ के बड़े महात्मा थे अमेरिका में रहते थे लाखों चेले हुए उनके, आज की बात नहीं है अब से 50 वर्ष पहले की बात है 40 वर्ष पहले की, जब दीवान रामस्वामी अय्यर भारत समाज साधु समाज के आयोग में प्रमुख होकर आए, उन्होंने कहा महाराज वो तो क्लब में बैठते और शराब पीते हुए और कह आई वहीं बमन हुआ उनको और वहीं मर गए। तो यदि वेदांत का यही उपयोग है कि लोगों को परस्त्री गमन में और सुरापान में और अशुद्ध आचरण में दुराचार में परिपुष्ट कर दिया जाए तो वो वेदांत किसी काम का नहीं है, अनर्थकारी है। सबसे पहले हमारा जीवन हमारा चरित्र शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी बुद्धि को अंतर्मुख होकर परमात्मा के बारे में विचार करना चाहिए, और यदि इसको कायदे से रास्ते से नहीं ले चलोगे, यदि नामोच्चारण एक बात जरा सी सुनाते हैं, अज्ञान को दूर करने के लिए वेदांत है इसमें कोई शंका नहीं, परंतु अपने जीवन में केवल अज्ञान ही तो नहीं है ना, आसक्ति भी तो है,
ज्ञान आसक्ति को दूर नहीं करता। अच्छा, अपने जीवन में दुराचार भी तो है ना, दुराचार को ज्ञान दूर नहीं करता, उसका विषय तो अपना अलग बंधा हुआ है। जैसे आंख केवल रूप दिखाती है, स्वाद नहीं बताती, और जैसे जीभ केवल स्वाद बताती है, रूप नहीं दिखाती। स्विषय सुराणी प्रमाणानि भवन्ति, स्विषय सौंडाने, अपने अपने विषय को लेकर के एक औषधि है, वो एक रोग को दूर करती है। आंख रूप का अंधकार दूर करता है, तो जीभ स्वाद का अंधकार दूर करती है, तो नासिका गंध का अंधकार दूर करती है, त्वचा स्पर्श का अंधकार दूर करती है। इस प्रकार धर्म का जो अनुष्ठान है अपने जीवन में, वो हमारे जीवन के दुराचार को दूर करता है। और ये जो भगवान की भक्ति है, ये हमारे जीवन में जो संसार की आसक्ति है उसको दूर करती है। योग जो है वो हमारे जीवन की चंचलता को दूर करता है, धर्माचरण अज्ञान को दूर नहीं करता। भगवद आसक्ति भगवत भक्ति अज्ञान को साक्षात दूर नहीं करते। मन की निसंकल्पता जो है वो अज्ञान को दूर नहीं करता। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान होता है। इसलिए अपने जीवन में जो दोष हैं, दुराचार को दूर करने के लिए सदाचार, जो संसार में आसक्तियां फंसी हैं, धन में है, पैसे में है, पत्नी में है, भोग में है, विलास में है, उन आसक्तियों को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति भगवान की आसक्ति आवश्यक है। और यदि ऊपर छलांग, बहुत ऊपर छलांग इकट्ठे मारेंगे तो स्थिरता तो होगी नहीं, वहाँ रुक तो सकेंगे नहीं, नीचे गिरेंगे। इसलिए साधना का आरंभ चाहे राम राम से करो, अधिकार हो तो प्रणव जप से करो, गायत्री जप से करो, अपनी स्थिति के अनुरूप जैसा रोगी वैसी दवा। हम नाम रूप के जंगल में गिर गए हैं, और ये आजकल जो हमारे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, ये दवा का गुण तो जानते हैं, पर किस रोगी की कौन सी प्रकृति है इसकी उनको पहचान नहीं। एक दिन हमको हुआ जुकाम, एक वैद्य जी आए, और अच्छे वैद्य थे, उन्होंने आनंद भैरव रस लाके और दे दिया हमको। अब आनंद भैरव रस खाते वो जो छींक आनी शुरू हुई और गला जो सूखने लगा और उपद्रव हुआ, आनंद भैरव रस तो बहुत गर्म होता है, वो हमारी प्रकृति को सहन नहीं हुआ। तो ये जो औषधियों में गुण है, औषधियों में गुण है, वो अधिकार का विचार किए हुए किए बिना है। किसको कौन सी दवा चाहिए, किस रोगी पर कौन सी दवा काम करेगी, ये मालूम होना चाहिए। किसी के लिए नाम का जप अच्छा होता है, किसी के लिए रूप का ध्यान अच्छा होता है, किसी के लिए भगवान की प्रीति अच्छी होती है, किसी के लिए योगाभ्यास अच्छा होता है। ये नहीं है कि ज्ञान ज्ञान इतना बड़ा है कि और सबको फाड़ के फेंक दो, उठा के फेंक दो, और किसी का उपयोग नहीं है, ऐसा ज्ञान का रूप सत्यानाशी नहीं है। वो सबका आदर करता है, और जहां तक हो सके जिस कक्षा की अपनी आसक्ति है, अपना लगाव है, उसी कक्षा से साधन आरंभ करना चाहिए। तो ऊपर उठना होता है, ऊर्ध्वगति होती है। सदर्शन सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते है अश्ववत्, सूत्र का ये स्वरूप, सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते है अश्ववत्। ब्रह्मसूत्र नारायण नारायण। एक बात हो गया कि श्री कृष्ण महाराज बड़े अभिनेता है, ऐसे भी मैंने श्री कृष्ण महाराज अभिनेता है वो बात का प्रतीति तो खाई, लेकिन ये जो मूर्ति है उसमें जो प्रभाव है उससे मेरे हृदय को जो ज्ञान हुआ वो तो पक्का विश्वास के साथ ये हो गया कि श्री कृष्ण अभिनेता है। ऐसे तो मैं भी अभिनेता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण और मैं उसमें जो भेद है उसका कारण जो है वो उनकी योग माया शक्ति है। आजकल तो सब नेता अभिनेता हो गए हैं,
श्री कृष्ण महाराज बड़े नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, और उसके पास जो योग माया शक्ति है उसका प्रभाव क्या है, और योग माया शक्ति से अभिनेता की जो प्रज्ञा है वो क्यों इतनी सुंदर होती है, उसके विषय में आप प्रकाश डालें। श्री कृष्ण नटवर है और शंकर जी नटराज है। दक्षिण में आप जहाँ जाएंगे भगवान की नटराज मूर्ति मिलती है, और ये हमारे नटवर भगवान है। उपनिषदों में भी और श्रीमद् भागवत में तो बारंबार भगवान के लिए नट शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे एक नट श्रीमद् भागवत में आया, यथा मत्स्यादि रूपाणि घटते जहज्याद जप्पा नटा। नट कभी मछली बन जाता है, कभी कछुआ बन जाता है, कभी बराह बन जाता है, और फिर उस रूप को छोड़ देता है। इसी प्रकार ये भगवान नट के समान नाना रूप धारण करते हैं। गोपियों में श्रृंगारी बन जाते हैं, ग्वाल बालों में सखा बन जाते हैं, माँ की गोद में बालक हो जाते हैं, दासों के सामने उनकी सेवा लेते हैं, ज्ञानियों के आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नट के रूप में भगवान का वर्णन किया, न तो मरकत युव सब ही नचावत, राम खवेश वेद असजावत, उमा दारू दूषित की सब ही नचावत राम गोसाई। तो नचाते तो सबको है, माया को ही नचाते हैं, नटी है माया। हमको याद है एक बार श्री हरि बाबा जी महाराज अपने भक्तों के साथ कबड्डी खेल रहे थे, वो बुढ़ापे में भी तरह से कबड्डी खेल रहे थे। तो मैं यही श्री आनंद वृंदावन से आके बैठ गया और उनकी कबड्डी देखने लगा। तो बोले कि ये देखो कबड्डी खेलना हो तो आओ मिल जाओ अपनों के साथ, तमाशा देखना हो तो चले जाओ। तो भगवान सबको तो नचावे और स्वयं न नाचे तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध पड़ता है। तो रूप रास इंद्र अजीर बिहारी नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी, स्वयं भगवान भी नृत्य करते हैं। कैसे जो सबके बाप होने पर भी बेटा बन जाए, क्या नाट्य है। हैं तो सबके बाप और बनते हैं बेटा, हैं तो सबके मालिक पर बनते हैं चोर, और हैं तो निर्विकार और बनते हैं छेड़छाड़ करने वाले, हैं तो अचल पर भागते हैं दुश्मनों के डर से, हैं तो अकेले पर लाखों बेटे नाती पोते पैदा कर देते हैं। तो ये जो भगवान का चरित्र है, दरहा पी गौ नटवर हसु, दरहा पीदम ब्रह्म तो मुकुट है, दर माने ब्रह्म बड़ी है वृद्ध दरहति, तो सबसे बड़ा हो जाता है, जैसे मोर की पांख शरीर से बड़ी हो जाती है। धातु वही है जिससे ब्रह्म बनता है उसी से बड़ा बनता है। बृहति वा दरहति वा ब्रह्मति वा बृह वृद्ध से ब्रह्मति और बृह वृद्ध से दरहति, ब्रह्म मुकुट है। लेकिन महाराज ऐसा रूप धारण किया
कि ब्रह्म की भी आवश्यकता लोगों को न रहे, रस को मूर्त कर दिया, इसलिए आप ही गए थे नतवर वको। मन में आया कि सब लोग हमसे प्रेम करें, संसारी लोग ब्याह करें तो हमसे ही करें और किसी से न करें। वर बसु न तो वर बसु दूल्हा बन कर नटवत वरवच्च बपुर असौ नटवर बपुर नट बन के आए, पर नट से कोई ब्याह करना तो नहीं चाहेगा। नट का तो तमाशा देखेगा, नृत्य देखेगा, तो वरणीय बन के आए। तो गायत्री में जो वरेण्यम है ना, वही यहाँ वर वरणीय है। अगर दुनिया में कोई चाहने लायक है तो भगवान है, दूसरे को चाहोगे दुख पाओगे। ईश्वर में तो वरक प्रत्यय भूषण सीधा ईश्वर, परंतु वरेण्यम में तो हमारे जीवन के एकमात्र वांछनीय। यदि सुख चाहते हो अर्थ से तो भगवान का भजन करो, बिना भगवान के भजन के धन से सुख धन मिलेगा, बिना भगवान के भजन से भी धन मिलेगा, परंतु धन से सुख नहीं मिलेगा। बिना भगवत भजन के भी धर्म होगा, परंतु बिना भगवत भजन के धर्म का सुख नहीं मिलेगा। बिना भगवत भजन के भोग का सुख नहीं मिलेगा, बिना भगवत भजन के मोक्ष का भी सुख नहीं मिलेगा। मोक्ष को अज्ञान की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का नाम है, पर हमारे जीवन में सुख शांति भरने वाली कोई वस्तु है तो भगवान का भजन है। दिन भरि भजन निर्देश करें, बिना भगवत भजन के क्लेश नहीं मिल सके, दुखी रहोगे, मुक्त होकर भी दुखी रहोगे, ब्रह्म होते भी दुखी रहोगे, क्योंकि मेरा पड़ा हुआ है दुनिया में। धन के लिए दुखी होगे, बेटे के लिए दुखी होगे, स्त्री के लिए दुखी होगे, इज्जत के लिए दुखी होगे। जब तक दुनिया में मेरा पड़ा रहेगा तब तक दुख मिटेगा नहीं। जीवन मुक्ता अति पुनर्ज्ञान की संसार वासना यद्यचिंत महाशक्त भगवत के पराधीना। हाँ देवी भगवान माया प्रेत। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे, नानुगच्छति जो मोहात् वृजन्तम् परमेश्वरम् ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मापि स भवेत् ब्रह्म राक्षस। वो ब्रह्म नहीं ब्रह्म राक्षस हो जाएगा यदि जीवन में हृदय में भगवान की भक्ति नहीं रहेगी। और वो जीवन मुक्त के हृदय में भी यदि भगवत वासना नहीं रहेगी तो संसार वासना आ जाएगी। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति आनी चाहिए। भक्ति के लिए कौन सा रूप चाहिए? अरे बाबा ये नटवर है, उसका जो रूप तुम्हें पसंद आ जाए, बालक रूप हो तो गोद में लेके खिलाओ, और माता पिता की इच्छा हो तो बालक बन के उसकी गोद में खेलो, उसको मित्र बना लो, उसको पति बना लो, उसको मित्र बना लो, प्यार बना लो, दोस्त बना लो, अपने आत्मा के रूप से अनुभव करो। लेकिन वृत्ति की सदाचारता के बिना भटकोगे कहीं न कहीं। ये चित्त वृत्ति भटकावे, ये चाहे कोई योजना बना देगी, कहीं चंदा करवा देगी। कल परसों एक सज्जन श्लोक सुना रहे थे हमको, शंकर श्लोक का नाम को बताया, श्लोक करता था शंकर कीर्तन भारती। अकिंचनत्वंच दुदासनत्वं सर्वात्म भावंच समाधि सिद्धम अप्राप्त संपत्ति निमाम अमोघाम परोपकार परवंचन अकिंचन। नहीं हुए कुछ न कुछ पोटली में रखा हुआ है, वासना नहीं मिटी, पड़ी हुई है मन में,
सर्वात्म भावम, सर्वात्म भाव नहीं हुआ, देह में आत्मभाव बना हुआ है। बाबा ये अमोघ संपत्ति अपने जीवन में यदि नहीं आई, अप्राप्त संपत्ति निमाम अमोघाम, ये अमोघ संपत्ति यदि अपने जीवन में नहीं आई तो परोपकार पर वंच नहीं हो। तो हम परोपकार करने जाते हैं तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने जाते हैं, कुछ अपने लिए धन बटोरे हैं, चाहे नाम बटोरे हैं, चाहे इज्जत बटोरे हैं, चाहे प्रतिष्ठा बटोरे हैं, कुछ न कुछ अपने लिए चाहते जरूर हैं। इसलिए भाई मेरे, मन में भगवत वासना आनी चाहिए। पुत्र की वासना हो तो भगवान देते हैं, मित्र की वासना हो तो भगवान मित्र है, पति पुत्र की वासना हो तो भगवान पति पुत्र है। वासना को मिटाने के लिए समसत्ताक वासना की आवश्यकता है, नहीं तो वासना मिटेगी नहीं। आपस में समसत्ता जिनकी, गति साधक बाधक शासन की। अधर्म मिटाने के लिए जीवन में धर्माचरण चाहिए, वासना मिटाने के लिए जीवन में भगवत वासना चाहिए, विक्षेप मिटाने के लिए भगवान में योग में समाधि चाहिए, और अज्ञान मिटाने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। और इसमें क्रम है कि आजकल जो धड़ल्ले से अज्ञस्याः प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति जो वदे महानिरय जालेषु सतेन विनियोजितः है, और पाप तो छुड़ा नहीं बता दिया कि ब्रह्म हो, तो बोले तो हमको पाप लगता ही नहीं चाहे जितना करें। तो पहले पाप छोड़ना पड़ता है, वासना छोड़नी पड़ती है, संकल्पता छोड़नी पड़ती है, फिर ये ब्राह्मण स्थिति होती है। ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है कि व्याख्यान में गए सुन आए और ब्रह्म हो गए। इसके लिए साधना की आवश्यकता लग पड़ती है, सारा जीवन खपाना पड़ता है। और ये साधना आरंभ कहाँ से होती है? नाम से, भगवान के नाम से ही ये साधना, जप से ही ये साधना आरंभ होती है। जीव से भगवान का नाम जप करो और मन से भगवान के रूप का दर्शन करो, बुद्धि से अनेक रूप में उनकी एक रूपता का विचार करो, और अनुभव से देखो कि तुम्हारी आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये जो आजकल बाजारू वेदांत है वो लोगों को बिल्कुल दुख देने वाला है, इससे सावधान रहने में ही परम कल्याण है। देखो बच्चों भाई, ईमानदारी के साथ अद्वैत का संस्कार होने पर भी पत्नी से कितना प्रेम, धन से कितना प्रेम है, भाई बंधु से कितना प्रेम है, इज्जत से कितना प्रेम है, पत्नी प्रतिष्ठा से कितना प्रेम है, अद्वैत संस्कार होने पर भी देखो कि कहीं संसार में प्रेम है कि नहीं। और यदि संसार में प्रेम हो सकता है तो भगवान से प्रेम होने में बाधा कहाँ है? देखो यह है कि जिसको ज्ञान हो जाए वो दुनिया भर का संहार कर दे, है ना, अथवापि सहिमान लोका न हंति न निबद्धते यस्य नाहंकर्तव्य भाव। यदि भगवान का बोध हो जाए तो सारी दुनिया का संहार कर दे तो भी हत्या नहीं लगती। तो यदि तत्व ज्ञान होने पर, निरहंकार होने पर हत्या कर सकता है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वो ज्ञानी इतना असमर्थ है, इतना नपुंसक हो गया वो ज्ञानी, निर्ग्रंथा पुरुक्रम है, तुम भक्ति मृथम भूत गुणों हरे है, आत्मा राम जो महामुनि है, सनत कुमार है, नारद है, सुखदेव है, अद्वैतवादी वक्ते शाम स्वभावो भजनम मरे है, उनका तो स्वभाव ही है कि वे भगवान के बिना नहीं रह सकते। इसलिए अद्वैत का संस्कार भक्ति में बाधक नहीं है। हमारे
द्वैतम बंधाय बोधात् प्राक्। ज्ञान के पहले द्वैत बंधन का हेतु है। प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब तो ये जो भक्ति है वो तो अद्वैत का परमानंद है, अद्वैत का फल है। सर्वेश्वरस्तु सुधिया जलिते सिद्धे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय। भेद न होने पर भी भगवान की आराधना भेद भाव से करनी चाहिए। प्राणेश्वर चतुरया मिलते चित्ते शैलांचल व्यवहित न निरीक्षणीय। पति पत्नी दोनों एक हैं, एक का अंग दूसरे ने पूरा का पूरा देखा हुआ है, पति का पत्नी ने, पत्नी का पति ने। लेकिन जब बाहर व्यवहार में दोनों मिलते हैं तो घूंघट की ओट से पत्नी अपने पति को देखती है, शैलांचल व्यवहित न। परमार्थ में अभेद होने पर भी व्यवहार में भेद रखकर भगवान की भक्ति की जाती है। प्रियतम हृदय वा खेल तो प्रेम रीतिया पदजुग परिचर्याम प्रेयसी वा विधत्ताम विहरत विदितार्थो निर्विकल्पे समाधो ननु भजन विधौ वा तद्वयम तुल्यमेव। यदि निर्विकल्प समाधि में और भक्ति में भेद ही रह गया तो तुम्हें अद्वैत का ज्ञान कहा, वो तो भेद हुआ। भक्ति एक दूसरी चीज है तो निर्विकल्प कहाँ समाधि लगाते हैं। निर्विकल्प समाधि में जाए तो हम माफ कर सकते हैं उनको कि अच्छा भाई निर्विकल्प समाधि में रहते हो, ब्रह्म हो, निर्विकल्प समाधि में रहते हो, तो वो तो करेंगे नहीं। करेंगे तो व्यवहार लेन देन, और लेन देन भी कैसा, दो नंबर का, एक नंबर का नहीं, दो नंबर का तो लेन देन करेंगे। और भक्ति करनी होगा तो कहेंगे अद्वैत का संस्कार है, भक्ति कैसे होगी। तो दो नंबर का व्यवहार तो अद्वैत संस्कार रहते हो सकता है और भक्ति नहीं हो सकती है। तो जो ईमानदारी से अपने हृदय की शुद्धि चाहते हैं वे तत्व ज्ञान होने पर भी पायो ज्ञान भगत नहीं सजनी। ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगत लुभाने। भक्ति बहुत बड़ी वस्तु है, कोई साधारण नहीं है। भक्ति भक्ति में है एक नंबर, दो नंबर है तो जरूर, लेकिन पहले दो नंबर की भी भक्ति करो तो एक नंबर की आ जाएगी। दो नंबर की भक्ति भी एक नंबर के लिए आएगी। अच्छा आप महादेव का समय हो गया, शांति पाठ।